हाँ जी, तो बच्चा वापस से स्टार्ट करें। ठीक है, हमारा जो शेयर कैपिटल है इसमें टॉपिक क्या है बच्चा आपका, बायबैक ऑफ शेयर्स। तो पूरा चैप्टर बायबैक को लेकर है। सबसे पहले हमने पढ़ा फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग। फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग मतलब क्या है, फाइनेंस में चेंजेस करना, डेट इक्विटी रेशियो में चेंज करना। अब हमने यहाँ पे पढ़ा था दो तरीके से किया जाता है, अंडर कैपिटलाइजेशन और ओवर कैपिटलाइजेशन। अंडर बोलता है कंपनी के पास पैसे की कमी है, तो कंपनी को पैसे की जरूरत है, तो कंपनी या तो पब्लिक इशू, राइट इशू, एडिशनल बोरिंग लेगी, बैंक से, किसी से भी, बॉन्ड्स, डिबेंचर, सारे इश्यूज करेगी ताकि पैसा आए। अगर बच्चा ओवर कैपिटलाइजेशन मतलब पैसा ज्यादा है तो पैसे को है ना यूज करना, तो बाय बाय करके यूज कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, पैसा रिटर्न करो, लोन रिटर्न करो, पब्लिक डिपॉजिट रिटर्न करो, डिबेंचर या फिर बॉन्ड्स रिटर्न करो, ऑपोजिट है ना। चलिए, फिर हमने बाय बाय का मैंने समझा, कंपनी खुद ही शेयर खरीदती है, खुद ही शेयर खरीदती है, ठीक है, और क्यों खरीदती है, ताकि प्रमोटर का होल्डिंग इंक्रीज हो सके, अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो सके बच्चा, सेकेंडरी मार्केट में शेयर की वैल्यू आ सके, हॉस्टाइल टेकओवर से बचा जा सके, ये सारे रीजन। फिर फाइनली हमने पढ़ा बच्चा तीन सेक्शन 66 में चलिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 68 तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हमने पढ़ा कि जब भी कंपनी को अपना बाय बैक करना है तो ये सेक्शन 68 लगेगा। सेक्शन 68 सबसे पहले बोलता है ये तीन तरीके हैं जिसमें आप बाय बैक करके कंपनी पैसा देगी, तो कंपनी जब पैसा देगी तो इन्हीं तीन अकाउंट से, इसके अलावा नहीं। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं आपको केस स्टडीज के फॉर्म में कि कंपनी ने पैसा इन इन जगह से यूटिलाइज किया है, तो ये तीन के नाम देंगे या फिर अदर देन ये तीन नेम देंगे, दैट मीन्स आपको आइडेंटिफाई करना है कि सोर्स यही तीन है तो सही है, सोर्स अगर ये तीन नहीं है तो आंसर में आप बताओगे कि भैया गिवन द केस है वो गलत कर रहा है, कंपनी एक्ट को वायलेट कर रहा है, क्योंकि पहला क्या है फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट या फिर अर्लियर जो भी आपने इशू किया है उसकी प्रोसीड, लेकिन सेम टाइम पे नहीं। क्लियर है? चलिए, फिर हमारी कुछ एक कंडीशन थी, सबसे पहले आर्टिकल में होना चाहिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर क्या करे बच्चा 10% तक, लेकिन याद रखना 10% किसका, याद रखना बच्चा पेड अप अच्छे से, क्योंकि बच्चा इसमें केस आता है, इसलिए एक बार फिर से रीड करोगे, पेड अप इक्विटी कैपिटल प्लस क्या लिखा है फ्री रिजर्व। इसमें प्रैक्टिकल केस आज हम देखेंगे, पेड अप इक्विटी कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व इसका 10%, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, शेयर होल्डर की बात करें, शेयर होल्डर कितना अप टू 25% कितना, लेकिन बच्चा अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एग्रीगेट पेड अप इक्विटी फ्री रिजर्व 10% बात है, 25% ये एग्रीगेट क्या लिखा है पेड अप। बच्चा ये बहुत ही टेक्निकल चीज है, बिल्कुल ध्यान दो, इसे बार बार फिर से दिखा रही हूँ, क्योंकि आप क्वेश्चन जब देखोगे ऊपर लिखा है पेड अप, ऊपर क्या लिखा है बच्चा पेड अप, और क्या लिखा है इक्विटी लिखा है, क्लियर है, प्लस फ्री रिजर्व से लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है पेड अप कैपिटल, जिसमें ब्रैकेट में साफ साफ लिखा है इक्विटी एंड प्रेफरेंस, क्या यहाँ पे सिंगल इक्विटी लिखा है, नहीं। वापस आओ बच्चा, ये टेक्निकल है, वापस आओ। अगर मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात कर रही हूँ, मैं अगर किसी कर रही बच्चा हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात कर रही हूँ, तो इनके पास 10% है, इनके पास क्या है 10% किसका, पेड अप इक्विटी कैपिटल, ये याद रखना, प्लस याद रहेगा। अगर अब मैं किसकी बात कर रही हूँ, शेयर होल्डर की बात करूं, तो कितना 25% क्या लिखा है पेड अप कैपिटल लिखा है, इसका मतलब क्या है इक्विटी प्लस प्रेफरेंस, फिर इसके बारे में लिखा है प्लस फ्री रिजर्व, तो दोनों में फर्क क्या है, यहाँ पे इक्विटी लिखा है, इसमें इक्विटी और प्रेफरेंस की बात करें, ये याद रखना है। अब एक तीसरी कंडीशन थी जो इसी की बात कर रही थी, इसी 25% को और प्रोविजन बता रही थी, इसने बोला था किसी भी साल क्या नहीं होना चाहिए 25%, में क्या लिखा था पेड अप, क्या लिखा था साफ साफ लिखा था पेड अप इक्विटी कैपिटल, ठीक है, प्लस है ना, प्लस में था इसमें था। ये साफ साफ बोल रहे हैं कि जो ये 25% शेयर होल्डर से हम ऐसा पास करवा के करवा रहे हैं ना, इसका 25% पेड अप इक्विटी इन एनी फाइनेंशियल ईयर, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में कितने ज्यादा नहीं होना चाहिए, 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये कह रहा है एक फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा है, ये एक फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा है, और ये क्या बोल रहा है किसी भी एनी एनी फाइनेंशियल ईयर, याद रहेगा, ठीक है।
तो वापस, क्योंकि इसमें क्वेश्चन टेक्निकल आते हैं, इस बात का ख्याल रखना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में इस इक्विटी कैपिटल की बात कर रखी है, लेकिन जब शेयरहोल्डर की बात आता है तो बस पेड अप लिखा है, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस लिखा है। लेकिन इसी को बोला है कि भैया किसी भी साल में 25% से ज्यादा का इक्विटी नहीं होना चाहिए, याद रहेगा पक्का। चल अब बच्चा, लेकिन ओवरऑल 25% से कभी भी ज्यादा नहीं, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, किसी भी, बस खत्म नहीं कर सकते। अगर 25% हो गया इसी साल, एक ही साल में कर लिया है, आप कभी भी नहीं कर सकते। या तो थोड़ा थोड़ा करके 10 साल में कर लो या एक बार में कर लो, ठीक है। कभी भी इक्विटी 25 से ज्यादा नहीं कर सकते, क्लियर है पक्का। चलिए अब बच्चा ये कंडीशन पे केस आएगा, इसलिए मैंने पहले आपको वापस से रिकॉल करा दिया। फिर इसके बाद हमने क्या बोला, रेशियो क्या होना चाहिए, 2:1। गवर्नमेंट कंपनी को लेकर क्या बोल दिया, 6:1, मतलब डेट 2 और इक्विटी 1, ठीक है। चलिए फुल्ली पेड अप हमेशा होना चाहिए, है ना। देन इसके बाद हमने लिखा कि भैया एक साल का गैप ले लेना, ठीक है। दो बार बायबैक जब कर रहे हो तो हम पहला बायबैक के एक साल का गैप होगा, उसके बाद ही दूसरा बायबैक करने देंगे। फिर हमने पढ़ा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना है, कंप्लीशन एक साल में कंप्लीट कर लो, मेथड अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ओपन मार्केट एम्प्लॉय से ले सकते हैं। देन प्लीज जब आरओसी, जब एसआर पास कर लोगे, पहले आरओसी के पास डिक्लेरेशन दे दो कि हमारी कंपनी सॉल्वेंट है, हम बायबैक करने जा रहे हैं। फिर बच्चा जब पूरा बायबैक होगा 7 दिन के अंदर लाओ, डिस्कनेक्ट कर दो। रिस्ट्रिक्शंस है, फर्दर इशू नहीं कर सकते, फर्दर इशू नहीं कर सकते। एक्सेप्शन, ये फर्दर इशू कर सकते, ESOP में कर सकते हो बच्चा, बोनस में कर सकते हो, है ना, वारंट का कन्वर्जन सेट या फिर प्रेफरेंशियल डिबेंचर का कन्वर्जन। 6 महीने तक आपको रुकना पड़ेगा, कोई नया शेयर इशू नहीं करोगे, इन्होंने कहा यहाँ कर देना। हमने बोनस इशू को लेकर पढ़ा था, जब हमारा बायबैक का ड्यूरेशन चल रहा होगा तो नया शेयर इशू नहीं करना है, बोनस भी नहीं करना है, लेकिन कन्वर्जन वाली चीजें अलाउड है, कन्वर्जन वाली चीजें अलाउड है, ये पढ़ा था हमने। चलो रजिस्टर मेंटेन करना है, रिटर्न फिर फाइल करो आरओसी को, और ये सारी बातें नहीं मानते हो तो क्या लग जाएगी, पेनल्टी, ठीक है। चलो फिर हमने क्या पढ़ा था, सेक्शन हम 69 पर आते थे, ठीक है। सेक्शन 69 साफ तो बोलता है, आप बायबैक करने जा रहे हो, अपने एक CRR अकाउंट बनाओ, कैश सॉरी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, उसमें पैसे आप रख दो जितना आप बायबैक करने का सोचो, उससे थोड़ा सा प्रपोर्शन रखना पड़ता है, ठीक है। 69 तो बोला मैंने, वो अलग है ना, ऊपर वाला पॉइंट अलग है। चलिए फिर बच्चा इन्होंने नेक्स्ट 70 बताया, 70 में बोला कि भैया बायबैक क्या है, प्रोहिबिटेड है, बायबैक क्या है, प्रोहिबिटेड, क्या प्रोहिबिटेड है, इन्होंने कहा आप अपनी सब्जी कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी से मत करवाना, और अगर ये वाले डिफॉल्ट के हो तो आप एलिजिबल नहीं। अगर ये डिफॉल्ट ठीक भी हो चुके हैं तो क्या करोगे, 3 साल के बाद। नेक्स्ट इन्होंने कहा इन सब में डिफॉल्ट किया तो आप एलिजिबल नहीं, फिर बच्चा ये चैप्टर है ना, यहाँ पे हमें लेकर आता है कि कौन कौन सी सिक्योरिटी का बायबैक कभी हो ही नहीं सकता। लॉकिंग पीरियड का नहीं होगा, लॉकिंग पीरियड खत्म हो जाएगा तब होगा। पार्टी पेडअप का नहीं हो सकता, अगर नॉन ट्रांसफरेबल प्लेज में लीन में है तो आप बायबैक नहीं कर सकते। फाइनली स्टैंप ड्यूटी की बात करी, बायबैक में कंपनी शेयर्स ले रही है, आपकी ओनरशिप खत्म हो रही है, लेकिन कंपनी इसमें ओनर नहीं बनती, ना ट्रांसफर, और ट्रांसफर में तो स्टैंप ड्यूटी भी नहीं। फिर हमने पूरी प्रोसीजर पढ़ी थी, प्रोसीजर में सबसे पहले उन्होंने क्या बोला कि लेटर ऑफ ऑफर तैयार करोगे, पहले आरओसी को देख के चेक करो, फिर डिस्पैच करो। डिस्पैच कितने दिन के अंदर करना था, 21 डेज के अंदर डिस्पैच करो। डिस्पैच करने के बाद सबके पास पहुंचेगा, सबको टाइम दो 15 से 30 दिन का, लेकिन सारे के सारे मेंबर्स मिलकर क्या कर सकते, टाइम कम भी कर सकते, कम टाइम भी दे सकते डिसाइड करने का, कंसर्न हो सबकी, सारे लोगों को कंसर्न होते। अगर आपने ये थर्ड पॉइंट, ये ई पॉइंट क्या बोल रहा था कि अगर आपने जितना बायबैक करने का सोचा है उससे ज्यादा की रिक्वेस्ट आ जाती है, ऑफर आ जाता है, इन दैट केस प्रोपोर्शनेटली आप बायबैक करेंगे, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा था, वेरिफिकेशन करो कि सारे जिन्होंने भी ऑफर क्या रखा है सही है कि नहीं, ठीक है। देन अगर रिजेक्ट नहीं होता है तो 21 दिन के अंदर हम मानेंगे कि कंपनी ने एक्सेप्ट कर रखा है। फाइनली एक्सेप्टेड अकाउंट खोलो जिसमें आप फाइनल पैसा पूरा कंप्लीट करके डालोगे ताकि सबके अकाउंट में धीरे धीरे पैसे जाए, ठीक है। चलिए तो 7 दिन के अंदर या तो एक्सेप्ट होगा या तो रिजेक्ट होगा, एक्सेप्ट होगा तो पैसे दे दिए जाएंगे, रिजेक्ट होगा तो उनके शेयर सर्टिफिकेट को रिटर्न कर दिए जाएंगे। फाइनली कंपनी जब ये करेगी बायबैक तो इन सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना है ना। आप उधारी लेकर चुका नहीं सकते हो बच्चा, आपको मटेरियल इन्फॉर्मेशन सारी सही देनी चाहिए, ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट बातें। फिर फाइनली हमने पढ़ा एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, उस रजिस्टर में सारी एंट्री करिए बच्चा, देन फाइनली कंप्लीशन है तो आरओसी को इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है।
पक्का? चलिए अब देखते हैं हमें क्वेश्चंस बनते हैं कि नहीं। अच्छा ट्राई करेंगे, पहले खुद रीड करें क्वेश्चंस। बच्चा एग्जाम में खुद की हेल्प करनी पड़ेगी ना। क्वेश्चन नंबर वन, ठीक है रीड करिए। पीयूष लिमिटेड डिसाइड टू बाय बैक शेयर विद द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। As the company secretary of a company, advise the board about the condition and limitation in this regard. Condition limitation बताओ। तो सबसे पहले क्या बताओगे? आर्टिकल में तो होना चाहिए। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितना कर सकता है? 10% प्रॉपर बताना। 10% किसका? सेकेंड पॉइंट वाला, हाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। तो 10% पेड अप इक्विटी कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। खत्म बच्चा। तो पहले लीगल प्रोविजन अच्छे से लिख देना, फिर बताना जो गिवन केस है। बच्चा दो पैराग्राफ आएगा। पहला पैराग्राफ क्या होगा? लीगल प्रोविजन कि कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की परमिशन से, बोर्ड रेजोल्यूशन से बस 10% कर सकते। 10% किसका? पेड अप इक्विटी है ना, कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स, ठीक है इसका 10% होगा। तो हमारा जो गिवन केस है, नाम प्रॉपर लिखना है ना, जो पीयूष लिमिटेड कंपनी है ठीक है वो 10% कर सकती है, ऐसा बस लिख देना कंक्लूजन। दो पैराग्राफ में आएगा, खत्म, दो पॉइंट होंगे ठीक है। ज्यादा घसीटना नहीं है, नहीं सारी नहीं लिखने। इन्होंने क्या लिखा है? एडवाइस करो द कंडीशन, नहीं कंडीशंस लिखा है बच्चा, लिखा है एडवाइस द बोर्ड अबाउट द कंडीशन एंड लिमिटेशन ऑफ दिस रिगार्ड। तो कंडीशंस लिखो, आर्टिकल वाली बात लिखना, आर्टिकल वाली बात लिखना, बोर्ड ऑफ और शेयरहोल्डर की भी बात बोल देना 25% वाली, फुल्ली पेड अप। और क्या था, एक और था 2:1 वाला रेशियो ठीक है, और एक साल का गैप होना चाहिए। वो पूरी कंडीशंस बताओ, पूरा जो 8 कंडीशंस है ना वो। हाँ बच्चा कंडीशन पूरी बतानी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने कंडीशन वर्ड यूज किया। बता रही मैं कौन सा वाला, ये सेकंड पॉइंट है, ये पूरा, ये सेकंड पॉइंट पूरा बताना और फिर केस से कनेक्ट करना कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 10% कर सकता है इस गिवन केस में, दैट्स इट। कंडीशंस बोलिए ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एडवाइस करो। अगर कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की 10% करती है, नॉर्मली तुम सीएस हो तो तुम्हें ये सब तो देखना पड़ेगा ना। उसमें लिखा है कि आप नहीं, उसमें लिखा है कि एडवाइस करो कि भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या क्या कंडीशन और क्या क्या लिमिटेशन। तो कंडीशन मतलब 8 कंडीशन, लिमिटेशन मतलब 10% वाली बस बात पूरी बताना पड़ेगा। लीगल प्रोविजन में 8 कंडीशन बता दी, हाँ मतलब ये पूरी 8 कंडीशन बता दी, मतलब ये पूरे पॉइंट्स बता देंगे यहाँ तक। फिर उसके बाद केस से कनेक्ट करोगे, जो गिवन केस है इसका 10% वाली जो बात है बस ये लिख देना 10% के साथ। मतलब उन्होंने कंडीशन लिमिटेशन दोनों बात बोली है ठीक है। तो लिमिट से मतलब 10% से है स्पेसिफिक, और कंडीशन से मतलब ये 8 कंडीशन से ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो तुम लोग। आई ऑथराइज शेयर कैपिटल, क्या लिखेंगे इसमें बताओ? फोन हटा, हटा कर 10% से आधा कर दे, 20% कर दे। ओके वो लोग कह रहे, चलो ठीक है, मैं तो भूल गई थी कि ट्रेनिंग में पैसा तो बहुत से काम होगा। बताओ क्या आंसर बता दो। 20% कर रही है तो वो अपन पर। तो केस क्या कह रहा है? केस एसआर पास कर रहा है कि बीआर पास कर रहा है? केस बोल रहा है एसआर पास कर रहा है, तो कुछ गलत कर रहा है। क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लिया, गलत कर रहा है। मैं एक बार रीड कर लूं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक बार रीड कर लूं तो मुझे ऐसे याद नहीं रहते क्वेश्चंस है ना ठीक है। तो चलो रीड करते, थोड़ा बहुत अच्छे से रीड कर लिया ना, तुम लोग आंसर क्या बोलो बस बता दो ताकि मैं रीड करके आंसर बताऊं। वेरी गुड, तुम सब लोग यही बोल रहे हैं। पढ़ एक बार मिलन, चलो एक बार मैं रीड भी करता हूँ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना प्योर्स लिमिटेड का गिव यू फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, क्या क्या दे रखा है? एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 मार्च 2015 में इन्फॉर्मेशन दिए। क्या इन्फॉर्मेशन दी है? ऑथराइज शेयर कैपिटल 1 करोड़ है ठीक है, 1 करोड़ शेयर है, ₹10 ईच मतलब पूरा 10 करोड़ है, वो तो बैंक में बताए। पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, मतलब ये फिगर दे रखे 5 करोड़ 5 करोड़ 2 करोड़ ये दे रखे। ये जो पेडअप है, जनरल रिजर्व, डिबेंचर है, ये डेटा दे रखा है ठीक है। चलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बाय द रेजोल्यूशन पास एट इट्स मीटिंग डिसाइड टू गो फॉर द बायबैक,
ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एक मीटिंग करवाई और उसमें बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया कि बायबैक करेंगे और कितना करेंगे, 20% ऑफ द कंपनीज पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व्स। एग्जामिन क्वेश्चन यहाँ से पूछा है, एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन। एग्जाम ने यह पूछा है कि वैलिडिटी बताओ बोर्ड रेजोल्यूशन विद रेफरेंस टू प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, तो वैलिडिटी है कि नहीं है? नहीं है। 10% करना था, इसने क्या कर दिया भैया 20%। तो आप क्या बताओगे, दो पॉइंट बताएंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की भी और शेयर होल्डर की भी। हमने जो आठ कंडीशन पढ़ी थी उस आठ कंडीशन के दो पॉइंट, कौन सा सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, बोर्ड रेजोल्यूशन 10% वाला, शेयर होल्डर का एसआर दैट इज 20% वाला, पूरा पॉइंट अच्छे से लिख देना। उसमें जो आपने पेड अप इक्विटी सब है ना, उसमें अगर गलतियां करी नंबर कट जाएंगे। एग्जामिनर का अगर ध्यान हटा कोई नंबर नहीं, अदरवाइज ध्यान दिया तो दिखा दो, दोनों लिखना है। अच्छा अच्छा तीन पॉइंट दे रखा है ना, तो यहाँ पे वैसे आपको तीन पॉइंट लिखने पड़ेंगे, सेकंड थर्ड फोर्थ, सेकंड थर्ड फोर्थ लिखने, तीन लिखने पड़ेंगे, मुझे थर्ड वाला का ध्यान देना है ना। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है वैलिडिटी बताओ बोर्ड रेजोल्यूशन की, तो आप साफ साफ बोलोगे कि भैया बोर्ड रेजोल्यूशन गलत है, इससे काम नहीं चलने वाला। आपको क्या पास करना चाहिए, एसआर पास करना चाहिए, प्रॉपर बताओगे। लेकिन आंसर कैसे लिखोगे, वो आठ कंडीशन जो है मिलन, वो जो आठ कंडीशन है उसका मैंने बोला पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर थ्री और पॉइंट नंबर फोर, ये तीन पॉइंट्स लिखे बस। लीगल प्रोविजन, लीगल प्रोविजन में ये तीन बातें लिखोगे, लिख लोगे, क्योंकि केस में साफ लिमिट पे ऑब्जेक्शन हम देख रहे हैं ना कि लिमिट सही नहीं है आपकी, तो ये तीन पॉइंट लिखोगे लीगल प्रोविजन, फिर केस से कनेक्ट करोगे कि गिवन जो केस है उन्होंने बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया ये इनवैलिड है, ठीक है, इनको क्या पास करना चाहता, ऐसा खत्म, बस इतना ही, ठीक है। तो ऐसे लिख लेंगे, पक्का बढ़वाएंगे। नेक्स्ट करो रीड, अच्छी बात ये है रीड करके तुम लोग कुछ आंसर दे पा रहे हो, गुड, वेरी गुड, अच्छा पढ़ो बात सर। कौन सा वाली 10% होना चाहिए था, आंसर गलत, बताओ क्या बोल, मुझे तुम बता तो बताओ एबीसी में किसमें कर सकते हैं, किसमें भूमि रांची बता पाओगे, नहीं कर सकते, वेरी गुड रांची। और पूजा देखो थोड़ा सा गलत है, थोड़ा सा सही है, दोनों का फिर से बोलते मिलन, तो क्वेश्चन भी अच्छे से नहीं समझे, हाँ नहीं कर सकते, बाकी ए और सी कर सकते, अब सबकी हो जाएगी पिटाई, ध्यान दे दे, ठीक है। कंपनी, अब मैं एक बार रीड करूं, कंपनी परचेज इज ओन शेयर इक्विटी शेयर बिजनेस आउट ऑफ द फंड, कंपनी ने कब के शेयर्स खरीदे मतलब बायबैक किया, क्या यहाँ पे उन्होंने अभी बायबैक लिखा है, नहीं, ठीक है। अनसिक्योर्ड लोन, उनके पास पैसा रखा था लोन का, उससे बायबैक किया, कर सकते हैं, हमने प्रॉपर तीन चीज पढ़ी थी, क्या क्या पढ़ा था, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, और तीसरा क्या था, प्रोसीड ऑफ है ना इश्यूज, ऑलरेडी इश्यू कर सकते लेकिन सेम काइंड के नहीं होने चाहिए, वो तीन पॉइंट थे। अब इन तीनों में से पहला वाला है क्या, नहीं कर सकता, फिर उन्होंने बोला बैलेंस डेप्रिशिएशन ये था क्या, नहीं, समझ गए क्या गलतियां कर रहे थे, सिक्योरिटी में अकाउंट से कर सकते हैं, तो एक लौता एक है। अब आप लीगल प्रोविजन क्या लिखोगे, कंपनी तीन से कर सकती है, सोर्सेस बताना, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, फ्री रिजर्व और ठीक है अर्लियर इशू वाला, ठीक है ये तीन पॉइंट, फिर बोलना कि भैया पहले से नहीं, दूसरे से नहीं, तीसरे से, एग्जामिनर लिखा है कि ट्रांजैक्शन बस इतना पूछा खत्म, ठीक है पक्का बन जाएगा। ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आए, नहीं समझी, थर्ड पॉइंट क्या, हाँ सोर्स समझ में आ गया क्या, वो क्या बोल रहे, पॉइंट समझ में आ गया, पहले बताओ, नहीं समझ, मुझे बाय बाय करना है, मेरे पास पैसा रखा, मेरे पास पैसा क्या रखा है, मैंने जो शेयर इश्यू पहले कर दिया था उसका पैसा रखा होगा,
उससे नहीं कर सकते अगर वो सेम काइंड के होंगे, मतलब कि बिना सेम काइंड के. मैंने इक्विटी इशू किया था, मैंने इक्विटी इशू किया था, अब मैं प्रेफरेंस शेयर्स से क्या कभी शेयर्स ले रही हूँ तो क्या मैं यूज कर सकती हूँ? कर सकती हूँ. इक्विटी से लिया था और इक्विटी से ही बाय बाय कभी कर सकती हूँ? नहीं कर सकती. पक्का कॉन्सेप्ट? पक्का पक्का. तो सेम जो शेयर्स मैंने इशू किए उनके ही क्यों मैं क्यों खरीद रही हूँ? तो इशू क्यों किए थे? समझ में आया? पक्का क्या मिस्टेक कर रहे थे? चलिए नेक्स्ट बच्चा क्वेश्चन आ जाओ, रीड करो. क्वेश्चन यहाँ तक है ना? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है एग्जैक्टली मुझे वही आंसर बताना. अभी मेरे को क्वेश्चन नहीं मालूम है, तुम मेरे साथ ही वेट करो. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कंडीशन पूछ रहा है क्या? रुको रुको रुको, नमन भाई क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? मिला गलत. प्रियांशी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? वेरी गुड. क्या पूछ रहे हैं? तू भी बैलेंस शीट में फंसी थी मैं लाइक. अच्छा थोड़ा लेट बता रही थी बस, है ना? मैं बस ये कह रही हूँ मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन बस बताओ. मैं ये देखना चाह रही हूँ क्या हम क्वेश्चन के कचड़े में फंस जा रहे हैं? बस वही करना है. फटाफट सबसे पहले ना क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो? आपको इतनी जबरन की इन्फॉर्मेशन देगा. कंपनीज एक्ट के क्वेश्चन का पैटर्न यही है, समझ लो. केसेस में वो इतनी इन्फॉर्मेशन देता है और आपको घुमा देगा, आपको घुस जाते हो. हाँ वो ये कुछ बताना चाह रहा है, कुछ नहीं बताना चाह रहा, वो एंड में पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है. ठीक है, तो क्वेश्चन अगर मैं सीधा नीचे देखूं, नीचे बोल रहा है डिटरमाइन द क्वांटम बाय बैक ऑफ द शेयर होल्डर अप्रूवल. साफ साफ बोल रहा है कि भैया जो भी हमने ऊपर इन्फॉर्मेशन दे रखी है, कंपनी कितना शेयर होल्डर की परमिशन से बाय बैक कर सकते हैं? 25%. तो प्रॉपर आपसे फिगर पूछ रहे हैं. अब ये इन्फॉर्मेशन वैलिड है, ये कचरा नहीं है, ये वैलिड है. मुझे पूरे शेयर्स बताओ, यही कैलकुलेट करना है. यही कह रही हूँ क्वेश्चन पूछ रहा है, कैलकुलेशन निकाल कर बताना है. क्वेश्चन ये पूछ रहा है अलाउड है कितना? 375,000. आप लोग अभी यही आ रहा है और कैसे निकाल रहे हो बताओ? ऑनलाइन वाले बच्चों कैलकुलेट करके चैट बॉक्स में फटाफट बताओ. कितना है? सही, वैसे करेक्ट है. मिलन प्रियांशी पूजा बताओ बच्चा. 375 आ रहा है क्या? तुम लोग क्या कर रहे हो? चलो आओ अब मैं पढ़ाती हूँ. रिजर्व और शेयर कैपिटल दोनों को ऐड करके 25% निकाल दो. दोनों को ऐड करके 25 कितना आ रहा है बताओ? 5,085. चलाओ बच्चा, तुम लोग किस्मत खराब है, कुछ चल नहीं रहा है अच्छे से. वही तो आज देखो ना कितना सब क्यों सिस्टम बंद हो गया पता है. अच्छा देखो क्वेश्चन समझ में आ गया था. इन्होंने क्वांटिटी पूछा है, 25% लिखे होंगे, नंबर नहीं मिलने वाले. इन्होंने प्रॉपर क्वांटम पूछा है. तो पहला लीगल प्रोविजन, लीगल प्रोविजन क्या लिखोगे? कि कंपनी 25% कर सकती है. पूरा लिखना पड़ेगा. 25% किसका बच्चा? पेड अप कैपिटल जिसमें इक्विटी प्रेफरेंस दोनों है प्लस फ्री रिजर्व्स. अब आपके क्वेश्चन में क्या दे रखा था बच्चा? इक्विटी शेयर्स दे रखे थे. कितना दे रखा था बच्चा? 10,00,000 दे रखा था. 10,00,000 प्लस 5,00,000, 15,00,000. 15,00,000 का प्रॉपर है ना? तुम लोग को स्क्रीन नहीं दिख रहा होगा बच्चा, पता नहीं क्यों आज तुम लोग की बहुत किस्मत खराब है. करके देखिए एक बार, पता ही बटन कौन सा है देखिए. मुझे भी नहीं पता यार, तो देखना ही पड़ेगा तुम लोग को. 375. हाँ बेटा वेरी गुड.
मैम नंबर्स ऑफ शेयर्स बच्चा हाँ सब कैलकुलेट करना है, एक बार मैं बता दूं क्या है ना। चलो तो बच्चा सबसे पहले ये तो समझ में आ गया बच्चा, दो मिनट है ना ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करो, टेक्निकल आज इश्यूज हो रहे हैं ना, बस तुम लोग तो बिल्कुल बोला ऑनलाइन वाले बच्चे दो मिनट है ना पॉज करते हैं।